क्या लिखा है? पटल किस फैमिली का पार्ट है? फैमिली का मॉड्यूल है, पार्ट नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर। जैसे अभी हम बात करते हैं जो अभी तक हमने किया है, मैं एक बार नोटपैड ओपन कर रहा हूँ और आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा नोटपैड के साथ में। जैसे हमने स्टार्टिंग की थी, आप लोग जानते होंगे स्केचर से, स्केचर हम किस फाइल से ओपन करते थे? पार्ट। आई थिंक हम जब कोई न्यू फाइल खोलते थे और स्केचर खोलने के लिए हम पार्ट पर क्लिक करते थे, तो आई यूज टू क्लिक ऑन द पार्ट। इसका एक्सटेंशन क्या होता था? .cat_part, कैट पार्ट, यही था। उसके बाद हमने नेक्स्ट मॉड्यूल किया था सॉलिड या पार्ट, मैं इसको पार्ट बोलूँगा, सॉलिड या पार्ट मॉड्यूल। इसको हम कहाँ से ओपन करते थे? इसको भी हम पार्ट से ही ओपन करते थे, और इसका जो एक्सटेंशन था वो भी .cat_part था। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल हमने असेंबली किया था, उसको बाद में लिखूंगा। फिर हमने नेक्स्ट मॉड्यूल किया है सरफेस, सरफेस को भी हम पार्ट से ही ओपन करते थे और .cat_part एक्सटेंशन यूज करते थे। सेम आपका असेंबली होगा, सॉरी शीट मेटल होगा। शीट मेटल में क्या होगा? आप इसको पार्ट से ही ओपन करेंगे और जब इस फाइल को सेव करेंगे आप, तो .cat_part के साथ ही सेव करेंगे। असेंबली में थोड़ा सा अलग होगा, आप लोगों ने रियलाइज किया होगा। उसको असेंबली को हम यूज करते थे प्रोडक्ट असेंबली, या मैं बोल सकता हूँ असेंबली। असेंबली, और इसको हम यूज करते थे लाइक प्रोडक्ट। इसको भी हम यूज करते थे .cat एंड देन प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग करते थे, करते तो आ रहे हैं अभी तक। हम बात कर रहे हैं शीट मेटल की, और शीट मेटल में हम जो भी फाइल ओपन करेंगे वो पार्ट मॉड्यूल से ही करेंगे, और फाइल आपकी सेम पार्ट मॉड्यूल की तरह ही दिखेगी, .cat_part एक्सटेंशन में ही सेव होगी। तो ये जो हमारा मॉड्यूल है ये पार्ट फैमिली का ही एक पार्ट है। अब हमने कोई भी फाइल स्टार्ट करनी है, कोई भी फाइल ओपन करनी है, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग। हम लोग जाते हैं फाइल और ओपन करते हैं न्यू फाइल, यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं पार्ट, ठीक है। हम जब पार्ट क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, पार्ट का नाम डिफाइन करते हैं, ओके किया मैंने। देखो मैं बाय डिफॉल्ट शीट मेटल में ओपन हो रहा हूँ, ये आपका शो कर रहा है जो आपका वर्क बेंच है कि आप शीट मेटल में हैं। ठीक है, हमने इसको लिया क्योंकि मैंने अभी पिछले बैच में शीट मेटल ही पढ़ाया था, तो बाय डिफॉल्ट जैसा मैं हम लोग सरफेसिंग में पार्ट मॉड्यूल में देख रहे थे कि जो भी मॉड्यूल आपने लास्ट टाइम यूज किया है आपका सॉफ्टवेयर उसी मॉड्यूल में आप फाइल को ओपन करता है। अगर आप पार्ट मॉड्यूल में हैं, जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ पार्ट डिजाइन में, और हम फाइल बंद कर रहे हैं, अब एक न्यू फाइल खोलते हैं, वो फाइल खुलेगी आपकी पार्ट मॉड्यूल में। या मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट पर, मैकेनिकल डिजाइन में जाता हूँ, मैं पार्ट मॉड्यूल ओपन कर लेता हूँ, लेकिन मुझे शीट मेटल ओपन करना है, पार्ट मॉड्यूल ओपन नहीं करना है। तब हम जाते हैं आपका सेकंड लास्ट है जनरेटिव शीट मेटल डिजाइन। हम यहाँ पर जाएंगे आपका शीट मेटल मॉड्यूल में ओपन एंटर करने के लिए। जैसे हम लोग सरफेसिंग के लिए वायर फ्रेम एंड सरफेस डिजाइन को ओपन करते थे, सेम शीट मेटल के लिए हम यूज करेंगे जनरेटिव शीट मेटल डिजाइन। इसको हमने क्लिक किया एंड डिफाइन द नेम ऑफ द पार्ट,
क्लिक हियर ओके। सो नाउ वी हैव एंटर्ड इन द शीट मेटल मॉड्यूल। यहाँ पर आपके मैक्सिमम टूल्स डीएक्टिवेट हैं और डीएक्टिवेट ही रहेंगे जब तक कि हम कुछ एक सेटिंग्स चेंज ना कर दें। अब हम बात करते हैं शीट मेटल क्या होता है, किन ऑब्जेक्ट्स को हम शीट मेटल की कैटेगरी में रखेंगे। एक ग्लास है मेरे पास जिसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर है, क्या शीट मेटल है? या 0.5 मिलीमीटर है, क्या शीट मेटल है? एक पाइप है मेरे पास, क्या शीट मेटल है? या कोई और ऑब्जेक्ट भी होता है, क्या वो शीट मेटल है? तो इसको देखना सबसे पहले तो हमने, और सबसे पहले हम देखते हैं किन पार्ट्स को रखेंगे। हमारे पास एक पार्ट मैं अभी आपको बनाकर दिखाऊंगा। अभी तक जो हम कर रहे थे, हम लोगों ने सॉलिड पार्ट पार्ट मॉड्यूल किया था, सरफेस किया था, असेंबली की थी। अब हम शीट मेटल कर रहे हैं। थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर टूल्स थोड़े से अलग हैं, क्योंकि इनका पर्पस अलग है। तो हमने ये देखना है किन पार्ट्स को हम शीट मेटल पार्ट बोलेंगे और किन को शीट मेटल पार्ट नहीं बोलेंगे। पहली कंडीशन मेरे सामने है, जैसे मैं कोई भी एक पार्ट देखता हूँ जिसकी थिकनेस लगभग 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर के बीच में होती है। लगभग, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ। अगर कोई 0.5 है तो वो भी शीट मेटल होगा, और अगर कोई 12-12 मिलीमीटर है वो भी शीट मेटल होगा। तो मैं लगभग, हम इसको बोल के चलते हैं फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर। द पार्ट इज कॉल्ड शीट मेटल इफ, यदि उनके साथ कुछ स्पेशल ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं जो कि हमारे पार्ट मॉड्यूल में के ऑब्जेक्ट्स में नहीं अप्लाई होंगे। अब हमने ग्लास को बनाना है, तो ग्लास के लिए हमने एक कोर को बनाया, एक कैविटी को बनाया, और उनके बीच में मोल्ड के थ्रू मेटल फिल किया। वी कैन गेट द ग्लास। सो ग्लास इज नॉट द शीट मेटल पार्ट एज पर द लैंग्वेज ऑफ कैटिया सॉफ्टवेयर और एज पर द लैंग्वेज ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। शीट मेटल पार्ट्स हम उन्हीं को कहेंगे या उन्हीं को कहते हैं जहाँ पर हम कुछ स्पेशल ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, जैसे कटिंग, बेंडिंग, पंचिंग, नोचिंग, जॉइनिंग। सो ये हमारे कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं अपने फाइनल ऑब्जेक्ट को पाने के लिए। हम मॉल टूल वहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं, या कोई और ऑपरेशन। जैसे मैं बात करता हूँ, एक जो आपका कैबिनेट होता है सीपीयू का, आपका कंप्यूटर का जो सीपीयू होगा उसका जो बाहर की बॉडी, इसको हम कैबिनेट बोलते हैं। आप देखना एक ही शीट से बना होता है, एक ही शीट को बेंड किया होता है, एक ही शीट को पंच किया होता है, उसमें कुछ होल्स क्रिएट किए होते हैं जिसको हम नोचिंग और पंचिंग बोलते हैं। कहीं कहीं पर कुछ शेप निकली या दबी हो सकती है किसी शीट में से, तो उसको हम पंचिंग बोलेंगे। हमने डाई, एक्चुअली मैं अलग अलग सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में हम उसको अलग अलग बोल सकते हैं, बट पंच बोलेंगे। पंच काट भी सकता है शीट को, और पंच केवल शेप भी दे सकता है। एक शीट हमारे पास है, हमने उसे पंच किया, जो हम काटता है उसको हम नोचिंग बोलते हैं, जब हम शीट को काटते हैं, और हम जब शीट को नहीं काटते हैं तो उसको हम केवल पंच बोल सकते हैं। ठीक है, एक मार्किंग भी बोल सकते हैं, जैसे एक मोहर, एक हमारी दो टाइप्स की स्टाम्प होती है, मोहर होती है, पेपर पर लगाते हैं, एक तो बिथकर होती है, एक बिथ शेप होती है। अपने पेपर पर अप्लाई किया तो वो शेप को ले लेता है, मतलब उसमें कहते ना कि आप छप जाती है वो चीज, शीट में भी कह सकते हैं या आप पेपर में भी कह सकते हैं। तो कई बार आपने किसी शीट पर देखा होगा कुछ उभार होता है शीट में, या कुछ दबा हुआ होता है जो किसी नाम को भी डिनोट करता है, किसी शेप को भी डिनोट करता है, इसको हम पंचिंग बोलते हैं। अगर हम शीट को काट देते हैं तब उसको हम नोचिंग बोलते हैं।
तो ये सब हमारे ऑपरेशन से इनको हम अप्लाई करते हैं और करेंगे। अगर ये ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं तभी हम उसको शीट मेटल बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको शीट मेटल नहीं बोलेंगे। चाहे हम ग्लास बना रहे हों या पाइप बना रहे हों, कुछ भी बना रहे हों, उसकी डिजाइनिंग हम नहीं बोलेंगे हाँ हमको शीट मेटल के थ्रू करना है। अब एक बॉक्स बनाते हैं नॉर्मली, जो पहले बॉक्स चलते थे टीन के या स्टील बोल सकते हैं, टीन के बॉक्स चलते थे, फॉर अ फ्यू रीजन। तो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम शीट मेटल बोलेंगे जिनकी थिकनेस हम एक से लगभग 1 से 10 मिलीमीटर के आसपास रखते हैं। 10 तो बहुत ज्यादा हो जाता है अगर हम सिंपली बात करें, तो 10 मिलीमीटर की शीट में आपको मार्किंग करना या नोचिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हैवी मशीन्स, एडवांस टेक्नोलॉजी में सब कुछ पॉसिबल है। तो हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे हाँ हम 10 मिलीमीटर की शीट को पंच नहीं कर सकते हैं या नोच नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात, हम इनको ऑपरेशंस को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम इनको अप्लाई नहीं करते हैं तब भी हम उनको शीट मेटल ऑब्जेक्ट में काउंट नहीं करेंगे। अगर ग्लास है हमारा, ग्लास थिकनेस में भी 0.5 मिलीमीटर है या 1 मिलीमीटर है, आप मोल्ड ऑपरेशन के थ्रू बना रहे हैं, आपने किसी मेटल को मोल्ड किया है, उसको आप किसी कैविटी में फिल कर रहे हैं, उसके बाद शेप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका शीट मेटल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे ऑपरेशंस थे वो हमने अप्लाई नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होती है शीट मेटल के लिए। तो इसके हम जो डिज़ाइन बनाते हैं उनमें कुछ ध्यान रखते हैं कुछ चीज़ों का। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक, मैं फिर से कुछ यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे पास एक बॉक्स है, ये थिक ऑब्जेक्ट है मेरा, और मैं इसकी थिकनेस डिफाइन कर सकता हूँ लाइक टी 1 मिलीमीटर, वन लाइक दिस। मैं अभी बनाने में टाइम लगेगा और एग्जैक्ट शेप भी नहीं आएगी। इसको हम शीट मेटल ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। एक ये मेरा पाइप है, लाइक कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट क्लोज, इसको भी हम शीट मेटल नहीं कहेंगे। हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अभी, और प्रैक्टिकली इसको बोल सकते हैं हम, इनको हम शीट मेटल नहीं कहेंगे, क्योंकि शीट मेटल के जो पैरामीटर्स हैं, कुछ मैंने बताया कुछ और बता रहा हूँ आपको, उसको फुलफिल नहीं करते हैं। शीट मेटल ऑब्जेक्ट कभी भी शार्प एज के साथ नहीं होगा। शीट मेटल ऑब्जेक्ट कभी भी शार्प एज के साथ नहीं होगा। मैं एज की बात कर रहा हूँ, उसकी एज कभी भी एकदम शार्प नहीं होगी, हमेशा कुछ राउंड होगी लाइक दिस। क्योंकि शीट में क्या होता है, एक शीट है हमारे पास, मैं साइड व्यू ले रहा हूँ शीट का, लाइक दिस इज माई शीट। ये मेरी शीट है, इसको जब मैं बैंड करूंगा, सपोज मैं इसको इस पॉइंट से बैंड कर रहा हूं, तो ये पार्ट मेरा कुछ ऊपर को इस तरह से उठेगा, लाइक दिस। इसको मैंने अप्लाई किया तो जो ये कॉर्नर बनेगा, सपोज ये मेरा ये कॉर्नर है, जो कॉर्नर बनेगा ये कभी भी शार्प नहीं होगा, ना ही फ्रॉम इनसाइड ना ही फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि आप जब इसको बैंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमेशा एक बैंड जनरेट होगा जिसको हम कंट्रोल करेंगे थ्रू बैंड रेडियस। एक रेडियस वैल्यू आएगी इस सरफेस पर। सेम इसको मैं बैंड करता हूँ आगे, मैं इसको भी अप्लाई करूँगा, इट विल बी ऑलवेज बैंड, ये हमेशा आपका बैंड होगा। इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो एक कंडीशन और आती है हमारी, शीट मेटल ऑब्जेक्ट कभी भी शार्प एज के साथ नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी विद अ बैंड रेडियस विद द बेंडिंग पोजिशन। आप कहीं से भी इसको करते हैं। थर्ड थिंग्स, ये आपका कंप्लीट क्लोज है, अगर हम इसकी बात करते हैं, इट इज नाउ कंप्लीट क्लोज। शीट मेटल ऑब्जेक्ट कभी कंप्लीट क्लोज भी नहीं होगा,
क्योंकि मैंने इस शीट को बैंड किया था, मैं अगर सपोज इसको और बैंड कर लेता हूँ, इसको भी और बैंड कर लेता हूँ, मैं आगे तक ले जाता हूँ लाइक हियर, तो मैं इस तरह से ज्वाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनती हैं, एक तो मेरे ये ज्वाइनिंग, एक मेरी ये शीट है और एक मेरी ये शीट है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, या एक मेरी ये शीट है और एक मेरी ये शीट है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक मेरी ये शीट है और एक मेरी ये शीट यहाँ के ज्वाइन हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये हमेशा ओपन होगा, एक कॉर्नर पर या कहीं पर बीच में, मैं यहाँ कहीं बीच में भी ले सकता हूँ, या मैं यहाँ कहीं बीच में भी ले सकता हूँ, मैंने इसको बैंड किया, मैंने इसको भी बैंड किया, मैं इसको भी ले सकता हूँ, ये हमेशा ओपन होगा। शीट मेटल ऑब्जेक्ट हमेशा ओपन होगा। जहाँ पर हम बेल्डिंग या रिबिटिंग कोई ज्वाइनिंग ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, रिबिट के थ्रू उसको रिबिटिंग कर सकते हैं या वेल्डिंग कर सकते हैं, तो उनको हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ आपने और क्लियर समझी होगी। तो शीट मेटल ऑब्जेक्ट कभी भी विद शार्प एज नहीं होगा, हमेशा विद अ रेडियस ऑन द कॉर्नर्स, विद कॉल बैंड रेडियस उसके साथ होगा, हमेशा कहीं ना कहीं ओपन होगा, मे बी यहाँ भी हो सकता है, मे बी कॉर्नर में भी हो सकता है, ये हमेशा ओपन होगा, एक ही इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। अब मैं बात करता हूँ सर्कुलर की, जैसे एक पाइप को मैंने बनाना है, सर्कुलर अगर ये कंप्लीटली क्लोज है तो ये आपका शीट मेटल नहीं कहलाएगा फिर। अगर यहाँ पर ना कोई बेंडिंग ऑपरेशन है, सॉरी ना कोई आपने वेल्ड किया है, ना रिबिटिंग की है, और ये कंप्लीटली क्लोज है, ये आपका शीट मेटल फिर नहीं कहलाएगा, क्योंकि शीट मेटल को हम बैंड करते हैं। अगर एक पाइप है उसको हमने बैंड किया है, एक ये मेरी शीट थी इसको मैंने बैंड किया, आई स्टार्ट टू बेंडिंग द शीट लाइक दिस, और सेम आई स्टार्ट टू बेंडिंग द शीट लाइक दिस, और इसको हमने बेंड किया और इसको भी हमने बेंड किया लाइक दिस, तो ये हमेशा कहीं ना कहीं ओपन रहेगा, और इस ओपन को हम फिल करेंगे थ्रू वेल्डिंग या थ्रू एनी अदर अनदर ऑपरेशन। जबकि अगर ये कंप्लीट क्लोज है, हाँ बॉयलर बिल्कुल कह सकते हैं आपको, जो बड़े पाइप होते हैं जो काफी, जैसे आपके कुछ पाइप्स होते हैं ना जिनको हम कह सकते हैं 1 फीट और लाइक 20, 30, 40, 100 सेंटीमीटर जिनके डायमीटर्स होते हैं, ऐसे बड़े बड़े पाइप्स, वो सब शीट मेटल के पार्ट होते हैं। जो छोटे पाइप होते हैं हमारे, जैसे जिसका डायमीटर हम इंच में काउंट करते हैं इंडिया, मोस्टली सूत भी बोलते हैं कुछ लोग, सूत का मुझे नहीं आता क्या कन्वर्जन पैरामीटर होता है, पता नहीं इंच को ही सूत बोलते हैं गाँव की भाषा में, या प्लम्बरिंग जो लेबर होती है उनकी भाषा में मुझे नहीं पता, क्या आप 1 इंच का या 4 इंच का, जो हमारे गाँव में या शहर में कहीं भी समरसेबल होते हैं, नॉर्मली 1 से 1.5 या 2 इंच का पाइप पड़ता है। जो गांव होते हैं जहाँ पर हमारे बोरवेल होते हैं जिनके थ्रू हम सिंचाई करते हैं अपने खेतों की, तो वहां पर होते हैं लगभग 4 से 5 इंच के पाइप होते हैं डायमीटर के, तो ये पाइप हमारे शीट मेटल के थ्रू नहीं बनते हैं, एक्सट्रूजन यूज होता है, छोटा डायमीटर होता है, वी हैव डन अदर ऑपरेशंस इन द मैन्युफैक्चरिंग। जो बड़े पाइप है आप देखते हो जहाँ गटर में यूज करते हैं, बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर यूज करते हैं, वहां पर उनको बैंड करके बनाते हैं, तो वो शीट मेटल के थ्रू बनते हैं। तो मेरा सिर्फ यही मोटिव बताने का, जो पाइप है जो थ्रू बैंड किया बाद में ज्वाइन हो रहा है, दैट इज शीट मेटल व्हाट एवर द डायमीटर, चाहे वो 1 इंच हो चाहे वो 100 इंच हो, अगर वो बैंड होके होने के बाद उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, इज कॉल्ड शीट मेटल, अदरवाइज इज नॉट अंडर शीट मेटल। आई थिंक ये सब मेरा क्लियर होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे शीट मेटल को, थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर लेते हैं और कैंसिल करते हैं। बॉयलर में जॉइनिंग ऑपरेशन कौन सा यूज करते हैं बताएगा कोई, बेल्डिंग या रिबिटिंग? रिबिट, बिल्कुल सही बात, क्यों करते हैं रिबिट? चलो आगे चलते हैं ये सब।
हमारे काम नहीं है, सब काम मैन्युफैक्चरिंग वालों का है। पर हाँ डिज़ाइनर का ये काम होता है, मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ के लिए, डिज़ाइनर का ये काम होता है। जो डिज़ाइनर होता है, मैं सिर्फ मॉडलिंग की बात नहीं कर रहा, हम लोग मॉडलिंग कर रहे हैं अभी, डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिज़ाइनिंग में आपकी एनालिसिस भी आती है, CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। आप एनालिसिस जब करेंगे तो वहाँ पर आप चेक करते हैं वेल्डिंग में क्या आपकी कैलकुलेशन आ रही है, रिविट में क्या आपकी कैलकुलेशन आ रही हैं। तो डिज़ाइनर को ये सब चीज़ें, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए हमेशा। तो मैं एक, ये मेरा एक फाइल है, मैं इसको लेकर जाता हूँ पार्ट मॉड्यूल में, लाइक मैकेनिकल डिज़ाइन पार्ट डिज़ाइन, और यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करता हूँ मैं। एक प्लेन लिया मैंने कोई भी, और एक लाइन क्रिएट करते हैं। अब मैंने एक लाइन को लिया, सपोज यहाँ से लेके हमने इसको यहाँ तक किया है, ठीक है, और इसको हमने एग्जिट किया और पैड अप्लाई करते हैं, तो पहले तो आपको एरर देगा, ठीक है, यस करते हैं इसको आगे, और हम इसे थिक पर अप्लाई करते हैं, सो इट विल बी ओके। 20 को हम 100 कर लेते हैं और मिरर एक्सटेंड कर लेते हैं, और यहाँ पर थिकनेस अप्लाई किया है 1 मिलीमीटर वन साइड, ठीक है, इसको 1 मीटर ही रखते हैं, और इसको ओके करते हैं। अब लाइक दिस हमने इसको अप्लाई किया, इसको ओके किया, क्या ये शीट मेटल है? अब फिर से आते हैं स्टार्ट मैकेनिकल डिज़ाइन और जनरेटिव शीट मेटल डिज़ाइन। टूल्स तो एक्टिवेट नहीं हुए हैं, ना ही होंगे अभी, ठीक है, पहले इसको हटाते हैं और पहले टूल्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। ये मेरी एक फाइल है, मैंने ओपन की इन जनरेटिव शीट मेटल डिज़ाइन। यहाँ पर एक मिनट दे बस मुझे, ठीक है, सबसे पहले जो हम शीट अप्लाई करेंगे वहाँ पर हम कुछ पैरामीटर्स अप्लाई करेंगे, जो मेरा पहला टूल है वॉल का, शीट मेटल पैरामीटर्स। तो आपने फाइल खोली है, फाइल खोलने के बाद हम अप्लाई करते हैं शीट मेटल पैरामीटर, और इसके पैरामीटर्स अप्लाई करेंगे सबसे पहले शीट के, क्योंकि हमारी पूरी शीट की यूनिक थिकनेस को फॉलो करेगी। थिकनेस कितनी रखनी है आपने, हम इसको चेंज करेंगे यहाँ से। डिफ़ॉल्ट बैंड रेडियस, आपने किसी शीट को बैंड किया है तो जो मैं बोल रहा था कॉर्नर में आप एक राउंड जनरेट होगा, उस राउंड की थिकनेस आपने कितनी रखनी है, हमने उसको अप्लाई किया लाइक 4। आगे आता है बैंड एक्सट्रीमिटीज, इसको हमने कितना रखना है, क्या किस शेप में रखना है, इसको अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम कुछ ऑप्शंस हमारे पास, इनको हम देख सकते हैं। जैसे ये एक शीट है, हम जब कट करते हैं, मैं आपको एक शीट बताता हूँ, बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मैं उसको ओके कर दे रहा हूँ अभी, और यहाँ पर इसको हमने किया और ओके किया, ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग। ये शीट है आपकी, देख रहे हैं यहाँ पर, इसको एक्सट्रीमिटीज, इट इज हियर, आई थिंक आप ठीक से देख पा रहे होंगे। अब ये आपने किस शेप में रखना है, तो इसको हम पहले ही डिफाइन करते हैं। मैंने फिर से आता हूँ शीट मेटल पैरामीटर्स, मुझे किस शेप में इसको रखना है, मिनिमम विद नो रिलीफ और स्क्वायर रिलीफ, तो ये आपके स्क्वायर रिलीफ में होगी जो देख पा रहे हैं यहाँ पर ही, क्लिक हियर ओके एंड देन अपडेट, इट विल बी लाइक दिस। तो अपने किस शेप में रखना है, हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं, सभी के प्रीव्यू अवेलेबल देख सकते हैं एक बार, स्क्वायर और राउंड, राउंड में कुछ इस तरह से होगा, लीनियर में कुछ इस तरह से होगा, टेंजेंट में कुछ इस तरह से होगा, मैक्सिमम में कुछ इस तरह से होगा,
क्लोज्ड में कुछ इस तरह से होगा, क्लोज के लिए आपके लिए नहीं है ये, और फ्लैट जॉइंट में कुछ इस तरह से होगा। तो ये अलग अलग हमारे एक्सट्रीमिटीज होंगे जिसको आपने अप्लाई करना है। ये सभी जितने पैरामीटर्स आपको बता रहा हूँ मैं, ये आप अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। जब भी कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कंपनी आपको हमेशा अंडरटेकिंग बताएंगे आप लोगों को वो किस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं या रिक्वायरमेंट क्या है। क्या आप शीट को कट कर रहे हैं इसका पर्पज समझ रहे हैं आप? जैसे आपने शीट को किसी टूल के थ्रू कट किया है, लाइक आपका जो कटर होता है उससे आपने कट किया इसको, एंड देट विल कम समथिंग इनसाइड। तो ये सभी आपके वहाँ के पैरामीटर्स हैं बट हमें अप्लाई करने होंगे। मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा बैंड अलाउंस। जब हम अप्लाई करते हैं तो एज पर द शीट मटेरियल वी विल हैव डिफरेंट डिफरेंट बैंड अलाउंसेस। तो उसमें हम के फैक्टर अप्लाई करते हैं। के फैक्टर हमेशा आपका मटेरियल पर डिपेंड करता है, आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका के फैक्टर होगा। तो के फैक्टर समझते हैं होता क्या है सबसे। अब एक और ऑप्शन आता है हमारे पास में, हम के फैक्टर समझते हैं के फैक्टर क्या होता है। इसको अप्लाई किया, इन सभी पैरामीटर्स को हमने अप्लाई किया जो आपके सामने है, ओके कर देंगे और इसको अपडेट कर देंगे। तो ठीक है, मैं शीट को डिलीट कर रहा हूँ, इसको बताने के लिए बताया था बस। डिलीट करें और इसको ओके करते हैं, ठीक है। अब के फैक्टर क्या होता है? अरे मैंने गलत शीट डिलीट करी, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ये मेरी एक शीट है, ठीक है। शीट देखें आप, ये शीट का साइड व्यू देख रहे हैं। अब मैंने ये शीट कहीं से बैंड करनी है, बैंड करनी है इन द सेंस जब मैं इसको बैंड करता हूँ तो ये शीट किस तरह से होगी आपकी। सपोज मैं इस पॉइंट से इसको बैंड कर रहा हूं, मैं सपोज इस पॉइंट से इसको बैंड कर रहा हूं मैं, तो जो ये पार्ट मेरा फिक्स रखना चाहता हूं मैं और ये पार्ट ऊपर की तरफ को बैंड कर रहा हूं, तो कुछ ऐसे समझ लें। ड्राइंग अच्छी ना बने तो मुझे माफी चाहूंगा मैं, तो टेढ़ी हो गई, माउस यूज कर रहा हूँ इतना परफेक्ट नहीं बन पाता है। और फिर इसको हम नीचे लाते हैं, ये कुछ शीट बनेगी ये आपकी। अरे अरे कहाँ जा रहा है, लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है। ये मेरी शीट है, अब हम देख रहे हैं इसको हमने बैंड किया है तो के फैक्टर क्या होगा। ये एक थिकनेस है मेरी शीट की जिसको मैंने कहा था टी। तो आप देख रहे हैं हम लोग जब किसी शीट को बैंड किया होगा तो यहाँ के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के पास पास आए होंगे और यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे के साथ दूर गए होंगे। प्रेसिव और यहाँ पर टेंसाइल। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेस जनरेट हुई होंगी। अब हम देख रहे हैं एक ही शीट में हमारे दो स्ट्रेस जनरेट हो रही हैं, एक ही शीट में हमारे दो स्ट्रेस जनरेट हो रही हैं और एक ही एक्सिस में, एक्सिस नहीं सॉरी एक शीट बोलेंगे इसको। तो जैसे मैं इस शीट को थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये मेरी थिकनेस है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये पार्ट मेरा बैंड हो रहा है। तो यहाँ पर टेंसाइल जनरेट हो रही है और यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रही है। आई थिंक सबको क्लियर होगा। यहाँ पर मैक्सिमम पोजिशन है कंप्रेसिव स्ट्रेस की और यहाँ पर टेंसाइल की मैक्सिमम पोजिशन है, मैक्सिमम कंडीशन है। जब हम देखते हैं ये टेंसाइल मैक्सिमम है यहाँ पर और एक ही शीट में हम जब अंदर जाते हैं तो फिर ये कंप्रेसिव की तरफ आ जाता है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। कंप्रेसिव इज जस्ट अपोजिट टू टेंसाइल और टेंसाइल इज जस्ट अपोजिट टू कंप्रेसिव। तो इसका मतलब क्या होगा, आप अगर यहाँ मैक्सिमम है और यहाँ पर टेंसाइल मैक्सिमम है तो हम जितने शीट की थिकनेस में अंदर की तरफ जाएंगे उतनी स्ट्रेस की वैल्यू कम होती जाएगी। सेम टेंसाइल के साइड जितने हम अंदर जाएंगे उतनी स्ट्रेस की वैल्यू कम होती जाएगी। तब ऐसे केस में एक कंडीशन ऐसी आएगी
जहां पर आपकी स्ट्रेस वैल्यू दोनों जीरो होंगी, यहां पर ना तो कंप्रेसिव अप्लाई हो रही होगी ना ही टेंसाइल अप्लाई हो रही होगी। इसको न्यूट्रल एक्सिस, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस आ गई हमारे शीट की, ये थिकनेस है। जो ये थिकनेस थी इसको मैंने थोड़ा बढ़ाकर डिफाइन किया एक्सप्लेन करने के लिए, ये मेरी थिकनेस है। गेटिंग फ्रॉम कंप्लीट हियर, सो वी विल ऑलवेज काउंट टू कंप्रेसिव साइड। अगर हम इस थिकनेस को कंप्रेसिव साइड से और न्यूट्रल एक्सिस से, इसको अगर हम स्मॉल टी बोलेंगे, और कंप्लीट थिकनेस को अगर हम कैपिटल टी बोलेंगे, तो हमारा जो के फैक्टर होगा वो हमेशा, एक फॉर्मूला है स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी होगा। दिस इज माई के फैक्टर, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, और इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। आप समझ सकते हैं 0 का मतलब क्या होगा, आपका न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल सरफेस पर होना कंप्रेसिव साइड में। कंप्रेसिव है ही नहीं, सब टेंसाइल टेंसाइल है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। और जो 1 होगा, दैट मीन्स आपको जो न्यूट्रल एक्सिस है बिल्कुल आपका टेंसाइल, जो आउटर एक्सिस है यहाँ पर होना, कहीं यहाँ पर होना, जो पॉसिबल। तो हल्की फुल्की वैल्यू होती है ये, हमेशा मिडिल में भी नहीं होती है। आप कहेंगे बिल्कुल 0.5 पर होती है, ऐसा भी नहीं होता है। इट कैन वेरी डिपेंड ऑन मटेरियल। ये सब डेटा आपको, आप जब किसी कंपनी में काम करते हैं तो जो कंपनी होती है जहाँ से मेटेरियल वो लोग बाय करते हैं, तो वो कंपनी वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनको आप चेंज भी नहीं करते हैं। द स्टैंडर्ड वैल्यू जस्ट फील लाइक दैट। एनालिसिस में भी आप वैल्यूज को सीधा एंटर कर देते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं उसमें। हर मटेरियल वो स्टैंडर्ड है, आप गूगल में सर्च मार आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम के फैक्टर बोलेंगे, हमने अप्लाई करना होगा इसको। सबको मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर। और इसको ठीक है, हम यहाँ पर हैं अभी। तो मैं इसको वॉल को डिलीट कर रहा हूँ फिर से। इस वॉल को मैंने थ्रू इस शीट मेटल फीचर बनाया था, जो कि मेरा शीट मेटल का फीचर है। अगर आप इसको सेम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं पार्ट मॉड्यूल से, स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन देन पार्ट मॉड्यूल, ठीक है, हम लोग यहाँ पर हैं और एक लाइन क्रिएट करते हैं यहाँ पर, सॉरी स्केचर में आएंगे, एक लाइन क्रिएट करेंगे स्केच में। कोई भी एक लाइन क्रिएट की मैंने, इसको एग्जिट करेंगे, और एग्जिट करने के बाद हम इसको एक्सट्रूड पैड करते हैं और थिक ऑब्जेक्ट अप्लाई करते हैं हम। कितनी थिकनेस रखनी है, 100 बहुत ज़्यादा है, हम उसको 80 कर लेते हैं। और मिरर रखते हैं थोड़ा सा, 1 मिलीमीटर थिकनेस रखी हमने। ओके करें, ये आपको शीट दिख रही है, मुझे भी शीट दिख रही है, शीट ही है। स्टार्ट मैकेनिकल डिज़ाइन जनरेटिव शीट मेटल डिज़ाइन। लेकिन अगर जब हम सॉफ्टवेयर को अप्लाई बताते हैं कि हाँ ये शीट है, सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करता है। जितने मेरे फीचर्स हैं जो मैं अप्लाई करूंगा अभी, अगर मैं उनको अप्लाई करना चाहूँ इसके ऊपर कोई और शीट जनरेट करने के लिए या कुछ इसको बैंड करने के लिए, दैट विल नॉट एप्लीकेबल हियर। ट्राई करते हैं, जैसे एक टूल है मेरे पास, वॉल ऑन एज, हम क्लिक करेंगे। सो अ शीट मेटल फीचर कैन नॉट बी इंसर्टेड बिकॉज ऑफ शीट मेटल फीचर इज फाउंड इन एनी बॉडी ऑफ पार्ट। ठीक है, मैं सेकेंड टूल अप्लाई करूंगा आपका फ्लैंज, मैं इट विल नॉट वर्क हियर। तो देख रहे हैं आप जब तक, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जो शीट मेटल जनरेट किया है वो पार्ट से किया है, इसको सॉफ्टवेयर नहीं समझता। जो शीट आप वॉल टूल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपका वॉल्स में आपका थर्ड टूल है वॉल, इससे जनरेट करेंगे उसी को आपका सॉफ्टवेयर शीट का पार्ट समझेगा, अदरवाइज इसको नहीं समझेगा।
आप किसी सरफेस को शीट अप्लाई करेंगे, सरफेस को आप थिकनेस अप्लाई कर देंगे 1 या 2 मिलीमीटर की, आप चाहते हैं इट विल गेट इट लाइक शीट मेटल, ये नहीं करेगा उसको। ठीक है, टूल एक्टिवेट कैसे हो बता रहा हूँ अभी, एक्चुअली अपने पैरामीटर्स अप्लाई करने होंगे। तो ये रीजन होता है, हम कोई भी शीट इस तरह से पार्ट मॉड्यूल से सरफेस से क्रिएट नहीं करेंगे, हम शीट मेटल से ही करेंगे। इसको डिलीट कर लेते हैं, अब एक बार अपडेट कर लेते हैं, फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं अपडेट करके, नहीं करेगा। इसको डिलीट करें, और जो ये मेरा पैरामीटर है मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। अगर ये नहीं है तब आपके टूल्स एक्टिवेट नहीं होंगे। शुभम कुमार आपका आंसर है ये, जब तक आप पैरामीटर अप्लाई नहीं करेंगे आपके टूल्स एक्टिवेट नहीं होंगे। तो टूल्स को एक्टिवेट करने के लिए अप्लाई करते हैं आप वॉल्स। हाँ, एक चीज़ और आप सभी लोग नोट कर लें, जो कि आपकी टूल बार्स हैं, कौन कौन सी टूल बार्स हम लोग यूज़ करेंगे शीट मेटल में, इन सब के आप नाम लिख लिया करें। आई थिंक अगर आपने नहीं लिखे हो सरफेसिंग में या असेंबली में या पार्ट मॉड्यूल में, तो सभी को लिख लें हमेशा, सरफेसिंग को भी पार्ट मॉड्यूल को भी, कौन कौन से टूल बार यूज करेंगे हम। तो पहले टूल बार है हमारी वॉल्स, इसको हम यूज करेंगे। दूसरी हमारी टूल बार है बेंडिंग, इसको हम यूज करेंगे। तीसरी हमारी टूल बार है कटिंग या स्टाम्पिंग, इसको हम यूज करेंगे। चौथी है व्यू, पांचवी है रोल्ड, छठी है ट्रांसफॉर्मेशन, और सातवीं है रेफरेंस एलिमेंट, और एक ये और है आपके, लेकिन ये कम यूज करते हैं, देखते हैं इसको, बता देंगे बाद में। इसका नाम देखता हूँ क्या, मुझे भी नहीं पता, नाम भूल जाता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग है क्या है, अरे 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 क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशंस, बंद कर दें। तो ये टूल बार्स हैं जिनको हम यूज करेंगे। स्केचअप तो हमेशा होता ही है और कंसिस्टेंसी आपका हमेशा होता है, हर जगह हम यूज करते आ रहे हैं। क्या रिकॉर्डिंग करते हैं आप पंकज कुमार? तो ये मुझे ना पता है, ये आपका पर्सनल मैटर है, क्योंकि मुझे ना पता तो अच्छा है, अच्छी बात। आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। इट्स बिटवीन यू एंड आईसीटी, टोटली इन बिटवीन यू। वो अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, या आप पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, इट्स बिटवीन यू एंड देम। और मुझे ना पता है, आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी ऐसा कुछ भी करता है मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे आपका शीट मेटल पैरामीटर्स, हम क्लिक करें। उसके बाद हम पैरामीटर्स अप्लाई करें जो आपने थिकनेस रखनी है शीट की, जैसे मुझे 1 रखनी है, और जो आपने डिफॉल्ट रेडियस रखनी है, मैंने इसको 3 रखना है, या 2 भी ले सकता हूँ मैं। आपने बैंड एक्सट्रीमिटीज कौन सी रखनी है, मैं इसको स्क्वायर ले सकता हूँ। ये आपका 1 है, मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर, ये आपका 2 है, आपको चेंज करना कर सकते हैं। आपके फैक्टर चेंज नहीं करते हैं, करना होगा तो आपको फॉर्मूला में चेंज करना होगा, इसको बाद में देख लेंगे। तो इनको अप्लाई करें, ओके करें। आप जो ओके करेंगे उसके बाद आपके सभी टूल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहला टूल अप्लाई करेंगे वॉल। वॉल हम यूज करते हैं कोई भी बेस बॉल बनाने के लिए, बेस वॉल कह सकते हैं या आपका रेफरेंस वॉल कह सकते हैं, जो सबसे पहली वॉल होती है उसको बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो हमने वॉल से पहले हम एक स्केच बनाएंगे, जहां पर हमने शीट को अप्लाई करना है, शीट को बनाना है। अब ये डिजाइन आपने किस टाइप का रखना है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसको मैंने अप्लाई किया लाइक दिस,
ठीक है, हमने एक शीट के बेसिक था उसको डिफाइन किया, और ये हमेशा क्लोज होगा जैसे हम लोग पार्ट मॉड्यूल में यूज करते थे, क्योंकि एक शीट है, शीट की एक आउटर बाउंड्री है ये समझ सकते हैं हम, तो इसको ओपन या इंटरसेक्टिंग नहीं रखेंगे, इट शुड बी कम्प्लीटली क्लोज। इसको हम क्लोज रखें, क्लोज रखने के बाद इसको ओके करें, और ओके करने के बाद यहाँ पर अप्लाई करें आपका सबसे पहला ऑप्शन वॉल। हम क्लिक करते हैं वॉल पर, और थिकनेस अपने डिफाइन की है, आप कुछ नहीं डिफाइन करेंगे यहाँ पर, सिर्फ मटेरियल की डायरेक्शन। अभी अप साइड में इसको मैं डाउन कर सकता हूँ, डाउन को मैं अप कर सकता हूँ, यहाँ से समझें ये मेरा स्केच है, और स्केच के बाद मैं इसको चेंज कर सकता हूँ अपने किस डायरेक्शन में शीट को क्रिएट करना है। अगर आपने मिड में रखना है तो आपके पास नेक्स्ट बटन है, इसको आप क्लिक करें तो भी स्केच के बोथ साइड आप शीट मेटल शीट क्रिएट करेंगे, जो भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसको ऑप्शंस आपके सेम है, अपने आप क्रिएट भी कर सकते हैं जो हमारे पार्ट मॉडलिंग कहते हैं उस टाइप से, और किस साइड आपको इसको रखना है। मैंने ऊपर की तरफ रखा है इसको, और ऊपर रखने के बाद मैं इसको ओके क्लिक करता हूँ लाइक दिस। ठीक है, मैंने लिया, ये मेरी बेस शीट बनती है, या बोलते हैं इसको हम रेफरेंस शीट बनती है, रेफरेंस वॉल बनती है मेरी। रेफरेंस वॉल के बाद में हम आपका नेक्स्ट टूल यूज करेंगे वॉल ऑन एज। आपने कोई भी वॉल एज पर बनानी है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे हमने एक क्या बोलते हैं कैबिनेट बनाना है सीपीयू का, उस डिजाइन को हमने बनाना है, तो हम पहले पूरी शीट को बनाकर बेंड नहीं करेंगे, हम एक साइड बनाएंगे, साइड से शीट को ऐड करेंगे, फिर उसको और ऐड करेंगे, उस तरह से बनाते हुए चलेंगे, बाद में उसको हम फ्लैट कर लेते हैं, क्योंकि बनाने के बाद बेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, और टुकड़ों टुकड़ों में उसको बेंड करना और बनाना ज़्यादा आसान होता है, बाद में उसको हम फ्लैट कर सकते हैं। तो शीट मेटल में हमारे कुछ तो ऑपरेशन है, हाँ हम एक ही शीट को बेंड करके अपना फाइनल आउटपुट ला सकते हैं, किन्हीं में हमें एक्स्ट्रा शीट्स भी जोड़नी होती हैं, जिनको हम वेल्डिंग और रिबिटिंग से जोड़ते हैं, जो कि शीट से अलग होते हैं, फिर वो आप करते हैं पहले इसको हम, तो हम अगर लेते हैं, मुझे एक मिनट आप यार हूँ, मैं कुछ देर के लिए अपना क्यू फॉर पेशेंस कंटिन्यू करते हैं। तो मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा आपका वॉल ऑन एज, हम क्लिक करेंगे वॉल ऑन एज पर, और उसके बाद आप एज को क्लिक करेंगे, आपको कहाँ पर वॉल अप्लाई करनी है, मुझे यहाँ पर वॉल ऐड करनी है, एक मिनट मैं इसको जीरो कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ अप्लाई करनी है, मैंने यहाँ पर अप्लाई करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी अप्लाई करनी है, कंटिन्यू करना, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा प्रीव्यू क्यों दे रहा है, ऐसा प्रीव्यू नहीं देना चाहिए। बैंड टू, ओके टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सो गैप नहीं ले रहा है, गैप को बाद में देख लेंगे, अभी यहाँ पर एक गैप है देखो, ये जो हम इस गैप को देख पा रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो इसको देख लेंगे बाद में, कैसे करेंगे, सिर्फ एक बार अप्लाई कर लेते हैं अभी। हम फिर से अप्लाई करते हैं वॉल ऑन एज, हम एज पर क्लिक करेंगे, हमने इसको अप्लाई किया, और यहाँ पर इसको मैंने जीरो किया, इसको भी जीरो किया, जीरो होता है बाय डिफॉल्ट, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। तो अब सबसे पहले अप्लाई करते हैं कितने अपना हाइट रखनी है, या अप टू प्लेन या सरफेस रखना है, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं सरफेस में या पार्ट मॉड्यूल में। निधि अंकित का फोन आ रहा है तेरे फोन, आई एम सॉरी, ठीक है।
करते हैं, तो हमने इसको यहाँ पर हाइट डिफाइन किया, हाइट हमने कितना रखना है, वैल्यू डिफाइन करनी है या अप टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेन सरफेस कुछ भी हो सकता है हमारा। मैंने इसको 60 किया लाइक दिस। एंगल आपने कितना रखना है, अभी हम देख रहे हैं 90 डिग्री एंगल आ रहा है हमारे पास में, तो हमने 90 रखना है या कम ज़्यादा इसको हम चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने 45 किया गेट माई प्रीव्यू, तो इसको हम रख सकते हैं यहाँ पर। मैं फिर से इसको 90 ले रहा हूँ, इसको ओके करेंगे। या आपने इसको ओरिएंटेशन विद प्लेन रखना है, तो आप उसको डिफाइन करें सपोर्ट को, जो भी सपोर्ट आप लेना चाहते हैं। मैं नहीं ले रहा। आप जब हाइट डिफाइन करते हैं, हाइट डिफाइन करने के लिए आपके पास में कुछ ऑप्शंस हैं, ये अपना हाइट कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करनी है। अभी देख रहे हैं आपको ग्राफिकली समझ में आ रहा होगा, सबसे टॉप से और बिल्कुल बॉटम सरफेस तक। सबसे टॉप मतलब मेरा ये सरफेस होता है और सबसे बॉटम मेरा ये सरफेस होता है। नेक्स्ट है मेरा बिल्कुल टॉप से मेरा बॉटम सरफेस का अपर फेस, क्या हम इसको लेना चाहते हैं या। तो आपके जो मेथड्स आप ट्राई कर लें, कौन सा है मैं यहाँ से कुछ नहीं बता पाऊंगा, बस कैसे करते हैं उसको ही बताऊंगा अभी, क्योंकि मेरा वो बता रखा है। ये सब चीज़ें आपकी इंडस्ट्री रिलेटेड होती हैं, आप किस तरह से काम करते हैं डिपेंड करता है आपके डिजाइन पर, ड्राइंग पर। ठीक है, उसको अप्लाई किया। और अभी देखा आप क्लियरेंस मोड क्या होता है, जो कि नीचे आ रहा है मेरा, जो आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं इसको, तो नो क्लियरेंस और मोनो डायरेक्शनल आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कितनी वैल्यू अपने अप्लाई करनी है, इसको फिर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपने ऐसा कुछ कोई रिक्वायरमेंट है आपकी, या मैं इसको 0 कर रहा हूँ और इसको लेते हैं यहाँ पर बाई डायरेक्शनल। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे अब नो क्लियरेंस, मोनो डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो मुझे नहीं रखना है इसको, मैं अनचेक कर रहा हूँ और मैं नो क्लियरेंस लेता हूँ। ठीक है, रिवर्स पोजीशन आप यहाँ पर है, मैं इसको रिवर्स करता हूँ लाइक दिस, लाइक दिस मैं इसको रिवर्स पोजीशन करता हूँ। और ये आपको आता है इन्वर्ट मटेरियल साइड। देखो अभी जो आपकी शीट ऐड हो रही है, हम यहां से समझेंगे, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, आप ये बाहर के साइड ऐड करना चाहते हैं, इन साइड क्लिक हियर लाइक दिस, लाइक दिस अगेन क्लिक, अगेन क्लिक। आई थिंक ये क्लियर होगा मेरा। बैंड रेडियस अपने अप्लाई की हुई है ऑलरेडी अपने पैरामीटर्स में। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है, मैं इसको ओके करता हूँ, एक्सेप्ट लाइक दिस, मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। इसी का नेक्स्ट ऑप्शन होगा कि आपने अगर साइड से भी कंट्रोल करना है, अगर मैंने इसको बिल्कुल एंड तक नहीं लेना, कहीं बीच तक लेना है, तब तो हम यूज करते हैं एक्सट्रीमिटीज। या तो आप किसी, जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ पर लिमिट 1,
मैं किसी प्लेन को क्लिक कर सकता हूँ, आई कैन क्लिक ऑन द प्लेन लाइक दिस, ठीक है। जैस को मैं देखने पड़ेंगे छोटू टूल है क्या ना क्या पर्पज है इनका, तो मैंने नहीं अप्लाई करना, इसको हम हटा देंगे क्लियर सिलेक्शन। आप डायरेक्टली ऑफसेट वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं लाइक 20। ठीक है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे साइड नहीं रखना है मैं इसको, आप उधर साइड तो माइनस लेंगे इसको, -20 देन प्रीव्यू, इसको फिर से मैंने किया -30 देन गेट माय प्रीव्यू, मैं इसको ले सकता हूँ और क्लिक है ओके, वी कैन एक्सेप्ट इट। तो आप इस टाइप से भी किसी भी शीट में आप शीट को ऐड कर सकते हैं। अगर मैंने किसी शीट को यहाँ पर ऐड करना है इसके अगली शीट पर, हम उसको भी कर सकते हैं, हम क्लिक करेंगे एज, क्लिक करते हैं यहाँ पर, और मुझे एक्सट्रीमिटीज को नहीं रखना है, मैं इसको जीरो करूँगा और इसको भी मैं जीरो करूँगा, ठीक है। इसको मैंने अप्लाई किया, आपने किस साइड रखना है, आउटर साइड इनर साइड, उसको भी आप रिवर्स कर दें लाइक दिस, और 60 को मैंने किया 30, और उसको प्रीव्यू करें, ठीक है। तो आप इस तरह से, मैं इसको किया फिर से ओके किया, अब मैंने एक और यहाँ पर अप्लाई करनी है, मैं फिर से अप्लाई कर सकता हूँ, मैं एज क्लिक करूँगा, उसको हाइट डिफाइन करनी है आपने, मैंने इसको 50 या 40 हाइट डिफाइन की और थोड़ा सा इसको बढ़ाया एज पर रिक्वायरमेंट्स, जैसे मैंने इसको 10 और इसको भी 10 10 बढ़ाया। तो ऐसा कर सकते हैं, शीट्स के थ्रू शीट्स ऐड कर सकते हैं शीट पर। अगला एग्जाम्पल लेते हैं अब हम, अब यहाँ से मुझे एक शीट ऐड करनी है, मैं इस एज को भी ले सकता हूँ, ठीक है, पहले इस एज को लेते हैं, मुझे यहाँ पर एक शीट ऐड करनी है जो कि ये देखो आपकी रेक्टेंगुलर शीट ऐड हो रही है, या मैं कह सकता हूँ ये भी आपकी रेक्टेंगुलर शीट है और ये भी आपकी रेक्टेंगुलर शीट है, जबकि मुझे रेक्टेंगुलर अपने अकॉर्डिंग, अपनी किसी स्केच के अकॉर्डिंग लेनी है, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग लेनी है। तब हम मैं एक स्केच बनाऊंगा, मैं स्केच बनाने के लिए जो मेरी शीट का ये वॉल है मैं इस पर क्लिक करूंगा, दिस इज माय रेफरेंस, मुझे यहाँ पर एक स्केच बनाना होगा, प्लेन पर या कहीं और ना बनाए, जो शीट की थिकनेस है देख रहे हैं आप इसको क्लिक करेंगे स्केच को बनाने के लिए। तो मैंने क्लिक किया यहाँ पर और हम जाते हैं स्केचर में, क्लिक ऑन द स्केच, थोड़ा सा आपके ऐसे आ रहा है, आप यूज जानते हैं कैसे यूज करना है, आप पोजिशन कैसे यूज करके अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले रेफरेंस को लेना होगा, रेफरेंस क्या है, ये वो एज आपकी रेफरेंस है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट में और हम नॉर्मल टू कर लेते हैं। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे जो भी अपना प्रोफाइल बनानी है, सपोज मैंने इसको यहां से अप्लाई किया, मैं एंटर करता हूँ, बिल्कुल देखो ये मेरा एंड पॉइंट है लाइक दिस, इसको मैं क्लोज किया, हम इसको एग्जिट करेंगे और इस पार्ट को मैं ट्रिम करूंगा,
इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, सो आई विल अप्लाई ट्रिम हियर, क्योंकि मैंने कहा था ये कंप्लीट क्लोज हो ना, ओपन हो ना इंटरसेक्ट हो, और इसको एग्जिट करेंगे। ये स्केच हमने अप्लाई, हमने जो हम एज पर वॉल क्रिएट कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से करना चाह रहे हैं, जो ये मेरी डिजाइन है। ठीक है, मे बी यहाँ पर एरर दे सकता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि ये टेंजेंट नहीं है इसके। हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर हम एज पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द टूल, देन क्लिक ऑन द एज, और उसके बाद ऑटोमेटिक से हम जाते हैं स्केच बेस्ड पर। स्केच बेस्ड पर क्लिक करें और स्केच पर क्लिक करें। ठीक है, जो पैरामीटर्स हम अप्लाई कर रहे थे सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसको हम ओके करेंगे टू एक्सेप्ट इट। मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है कुछ, सपोज इस वाली एज पर, किस साइड में करना है वो देखें हमेशा आप। तो ये सरफेस क्लिक करें, जो ये सरफेस है मेरा, यहाँ पर एक स्केच क्रिएट करें, क्लिक ऑन द स्केच, ठीक है। मुझे यहां से नीचे की तरफ को अप्लाई करना है, सो वी कैन क्लिक देन क्लिक हियर। ठीक है, उसके बाद मैं एक लाइन या एक प्रोफाइल अप्लाई करूंगा, और मैं यहां से अप्लाई करना चाहता हूं, इसको मैंने क्लिक किया, एक मैं इसमें होल क्रिएट करना चाहता हूँ शीट में, तो मैं यहाँ कहीं भी एक होल क्रिएट कर लेता हूँ लाइक दिस, और इस लाइंस को मैं ट्रिम करता हूँ। हम क्लिक करेंगे यहाँ पर और फिर क्लिक करेंगे यहाँ पर इसको ट्रिम करने के लिए, इसको एग्जिट करें। ये आपने एक और स्केच अभी क्रिएट किया जो आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब हम फिर से आते हैं आपका एज वॉल ऑन एज, आई थिंक जो नाम है इस टूल का, वॉल ऑन एज, हाँ, क्लिक ऑन वॉल ऑन एज। उसके बाद स्केच बेस कर आपका सिलेक्टेड है, ठीक है, इसको रहने दें। तो जिस पर आपने स्केच बनाया है, क्लिक ऑन द एज, देन क्लिक ऑन द स्केच हियर, आप स्केच बेस को अप्लाई कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा अपना बाहर करना है तो आप इसको मोनो डायरेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, और कितनी वैल्यू अपने अप्लाई करनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, नहीं करना है, नो क्लियरेंस रखें और ओके क्लिक करें लाइक दिस। तो इस तरह से हम शीट पर एड्स करते जाएंगे। हम बनाने के बाद हमें इसका फ्लैटन व्यू लेना है, हमें इसको फ्लैट करना है। तो ये हमारा व्यू में ऑप्शन था फ्लैटन व्यू, सिर्फ व्यू लेगा हमारा, ये ध्यान रखना, क्लिक हियर। तो ये आपकी शीट कुछ ऐसी दिखेगी आप जब इसको फ्लैट करेंगे या अनफोल्ड करेंगे। ठीक है, इसका देखने के लिए ड्रॉइंग जो निकालेंगे हमेशा फ्लैट शीट की निकालेंगे जो भी ड्रॉइंग होगी। और फिर से यहाँ क्लिक कर दें, हम वापस आ सकते हैं। एक चीज, अगर आपने इसको फोल्ड किया हुआ है और आप कोई भी टूल अप्लाई करते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर फिर से एक बार एज फ्रेंज अप्लाई करना है, क्लिक करें यहाँ पर, तो जब इसको यस करेंगे इट विल अगेन कन्वर्ट टू फ्लैटन व्यू। आप फ्लैटन व्यू पर ही कोई भी टूल अप्लाई कर सकते हैं। इसको कैंसिल करें, तो इसको क्लिक कर दें, इसको ऑफ कर दें, दैट्स ऑल। ठीक है,
इसका नेक्स्ट टूल बताएंगे बाद में। अब अगले टूल पर आते हैं जो कि है हमारा फ्लैंज। ये भी आपके एक टाइप से वॉल ऑन एज के ही पार्ट हैं। यहाँ से आप और मल्टीपल टाइप से वॉल क्रिएट कर सकते हैं एजेस पर। पर फ्लैंज और सबसे पहले हम देखो तो ऑप्शन में बेसिक और रिलिमिटेड। मैं सबसे पहले बेसिक में आ रहा हूँ। हम लेंथ क्लिक करेंगे, एज क्लिक करेंगे। और आपने कितनी लेंथ की फ्लैंज को बनाना है, मैं 50 कर लेता हूँ। रिवर्स डायरेक्शन कितना अपना एंगल रखना है, कितना अपने बैंड रेडियस रखना है। वन लेट्स चेक हियर, बट 3 रखते हैं। एंगल आपने कितना रखना है ये आपको आता है, जो हाइट है। नेक्स्ट आप कहाँ से रखना है, फ्रॉम इनवर्ड फ्रॉम आउटवर्ड, इसको अप्लाई करें आप लाइक दिस। तो 90 को जैसे मैंने किया था 45, हम ऐसा चेंज कर सकते हैं। 45 आपने कहाँ से रखना है। यहाँ क्लिक करो, फिर यहाँ क्लिक करें, इसको अप्लाई करेंगे, इसको हम 90 पर जाएं और इसको ठीक कर दें। रिमूव करें, ठीक है रिमूव कर लें। अब प्रोपोगेट क्या होता है, जैसे अगर आपके लिए टेंजेंट है, सपोज ये आपकी टेंजेंट है, आपने इसके साथ में टेंजेंट वाली भी क्लिक करनी है, तब क्लिक करते हैं प्रोपोगेट, अदरवाइज क्लिक नहीं करेंगे प्रोपोगेट को। ट्रिम सपोर्ट में क्या आ रहा है, आप अभी देखते हैं बाहर की तरफ ऐड करना है, अपना जो सपोर्ट है इसको ट्रिम करना है, वॉल को अंदर लेना है, तब यूज करेंगे आपका ट्रिम सपोर्ट। सो वॉल विल एंटर इनसाइड, आप देख सकते हैं इसको। और रिवर्स आप जानते ही हैं, रिवर्स डायरेक्शन आपने किस साइड को क्रिएट करना है। मोर में कुछ नहीं कि और बैंड डालो से इसको चेंज नहीं कर सकते क्या फैक्टर को। लेस देन क्लिक हियर, ओके एज फ्लैंज। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है फ्लैंज के बाद हेम। हम हेम अप्लाई करते हैं। हेम अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने इसी को क्लिक किया, इसी एज को मैं एज पर क्लिक करूंगा, और किस साइड आप हेम जनरेट करना चाहते हैं उसको डिफाइन कर लें, दिस साइड और रिवर्स साइड। मैं सपोज ये साइड चाहता हूँ और रेडियस को मुझे रखना है 10, ठीक है, और लेंथ को मैंने रखना है जैसे 30, और बाकी ये सब जानते ही हैं हम। ट्रिम नहीं रखना है। सेम आपके ऑप्शंस हैं, री लिमिटेड यहाँ भी थे और पीछे वाले ऑप्शन में भी था। मतलब आपने जो अप्लाई किया है इसको कंप्लीट अप्लाई नहीं करना है, इसको अपने कंट्रोल करना है, मुझे कहाँ से कहाँ तक करना है। लेकिन यहाँ पर आप वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते हैं, मुझे ऐसा 20 करना है, 30 करना है। उस केस हम क्या करते हैं, पहले रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए पहले हम रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। एक बार कैंसिल कर रहा हूँ, और इस कर्व पर जहां मैं अप्लाई कर रहा हूँ, दो पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं हम, मुझे उसको यहाँ पर अप्लाई करना है। क्लिक करें पॉइंट को, दिस इज हेयर एंड अगेन पॉइंट, हम इसको फिर से अप्लाई करेंगे। क्लिक हेयर, इसको एक्सेप्ट करेंगे हम, और एक्सेप्ट करने के बाद में हम फिर से अप्लाई करते हैं। अब आपका हेम और एज को क्लिक किया हमने, हमने अपोजिट साइड लेना है, रिवर्स डायरेक्शन किया, बाकी सब ठीक है। मैं इसको बस 10 कर देता हूँ, मैं इसको 10 पहुँचाता है, ठीक है 6 कर लेते हैं। 6 रेडियस अप्लाई किया और जो आपका री लिमिटेड आ रहा है इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। लिमिट 1 इज हियर एंड लिमिट 2 इज हियर। आपको हमेशा दोनों लिमिट डिफाइन करनी पड़ेंगे यहाँ पर। आप ऐसा नहीं है कोई भी एक लिमिट डिफाइन किया बस चाहते हैं इट विल वर्क लाइक
वॉल ऑन एज उसके साथ वर्क नहीं करेगा। पॉइंट प्लेन आप कुछ भी ले सकते हैं और उसके बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्लिक हियर ओके टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, गेट फ्लैटन व्यू और फिर से गेट अनफ्लैटन व्यू। तो ये शीट मेटल के मेरे मैक्सिमम टूल्स थे जो मैंने पिछले बैच में पढ़ाए हैं अभी तक। आज इतने ही रखते हैं, कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ लें।